सीरियल शक्ति में हुई है एक धमाकेदार एंट्री, और ये एंट्री हुई है टीवी स्टार रोनित रॉय की, जिसने आते ही दिखा दिया है अपने शक्ति का प्रदर्शन। जी हाँ, रोनित निभाने वाले हैं सीरियल शक्ति में एक लॉयर कम फाइटर का किरदार, जिसका नाम है रजत। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे सीरियल में हो रही है रजत यानी रोनित रॉय की धमाकेदार एंट्री। दरअसल हुआ यूं कि रजत के सामने एक लॉयर को कुछ गुंडे करते हैं परेशान। ये सब देखकर पहले तो रजत वहां से चले जाते हैं, लेकिन बाद में लौटते हैं एक धमाकेदार एंट्री के साथ। और फिर क्या हुआ उन गुंडों के साथ, आप खुद देख लीजिए। सीरियल का ही शूट हो रहा है, लेकिन शायद फिल्म स्टाइल में शूट हो रहा है। और अच्छा है, ये बहुत बहुत सालों बाद मैं एक्शन कर रहा हूँ, और मुझसे कहा गया क्योंकि रोल भी कुछ ऐसा ही है। राज सिंह जो है वो पहले वकील हुआ करता था, फिर उसकी जीवन में कोई घटना घटी निजी जीवन में, जिसके कारण उसने वकालत छोड़ दी, कानून पर से उसका विश्वास उठ गया। तो अब वो ये उसका पेशा है, फाइटर है। तो कहीं ना कहीं वो वकालत से, कानून से हारा हुआ यहाँ कहीं अपना विजय ढूंढ रहा है। तो इस सीन में भी वो एक वकील को ही बचा रहा है, तो ये थोड़े आयरनी वाला सीन है। और बहुत कमाल का मेरा फर्स्ट डे ये रहा है शक्ति में, कमाल का एक्शन यादव जी ने किया और बहुत मजा आया मुझे। रजत की एक और खास बात है, उनके हाथ में है ये मंगलसूत्र, जो है उनके इस बदलाव का कारण। क्या है वो बदलाव, आइए उन्हीं से जानते हैं। यही जो मैं आपसे कह रहा था कि उसके जीवन में जो घटना घटी है, जिसकी वजह से वो कानून पर और जस्टिस पर से विश्वास उठ गया है उसका, उसकी ये बैक स्टोरी है उसकी। बैक स्टोरी के बारे में मैं ज्यादा बता नहीं पाऊंगा। वेल, अब देखना दिलचस्प होगा कि रजत की एंट्री से सौम्या की लाइफ में कितनी आती है सहूलियत। ये कहानी का बहुत विशेष अंश है, विशेष मोड़ यही है। तो इस समय मैं चाहूँगा कि कुछ एक आध एपिसोड हो जाए अगली बार जब हम बात करें, क्योंकि वो हाई पॉइंट होगा शो का, तो इस समय हाई पॉइंट के बारे में डिस्कस करना चाहिए। वेल, ये तो हुई ऑन स्क्रीन बात, और आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे फाइट सीक्वेंस के दौरान लगी स्टंट मैन को चोट, और रोनित ने खुद ही किया उनके पैरों को मसाज, और एक दोस्त की तरह उन्हें गाइड भी करते रहे।